Assalamu alaikum to all the students. Today I will tell you how to perform the recrystallization of benzoic acid by two solvent method. In the previous lecture I told you about the single solvent recrystallization method, lekin is practical mein hum dekhenge ki how to perform the two solvent method. Kiska method? Recrystallization ka method और बेंजोइक एसिड का. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स क्या है आपके पास? यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे गलती से सैलिसिलिक एसिड लिख दिया गया है, यहाँ पे बेंजोइक एसिड आएगा. ठीक है, इट्स बेसिकली आर टाइपिंग एरर. उसके बाद एपरेटस है आपके पास, बीकर, हॉट प्लेट, ग्लास रॉड, फिल्ट्रेशन असेंबली, डेसिकेटर. यहाँ थ्योरी में हम देख चुके हैं कि रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, कैसे परफॉर्म करते हैं, और टू सॉल्वेंट रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक आपके पास गुड सॉल्वेंट होता है और एक आपके पास पुअर सॉल्वेंट होता है. गुड सॉल्वेंट बेसिकली आपके पास क्या है कि जिसमें आपके पास जो प्रोडक्ट है वो रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल होगी, और पुअर सॉल्वेंट क्या है, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आपकी जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्युबल होगी रूम टेम्परेचर पे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पुअर सॉल्वेंट. अच्छा जी, प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आप 0.5 ग्राम और 1 ग्राम लेंगे आप इम्प्योर बेंजोइक एसिड. उसके बाद आप मिनिमम अमाउंट ऐड करेंगे इस प्रोडक्ट में गुड सॉल्वेंट का. अच्छा, जो बेंजोइक एसिड है वो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्वेबल नहीं है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए जो वाटर है वो बेंजोइक एसिड के लिए गुड सॉल्वेंट नहीं है. बेंजोइक एसिड जो रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेबल होता है वो इथेनॉल में सॉल्वेबल होता है या मिथेनॉल में. तो इथेनॉल या मिथेनॉल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो क्या होगा, गुड सॉल्वेंट होगा. किसके लिए? इम्प्योर बेंजोइक एसिड के लिए एट रूम टेम्परेचर. आप क्या करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऐड, मिनिमम वॉल्यूम ऐड करेंगे इथेनॉल का या मिथेनॉल का इम्प्योर बेंजोइक एसिड में. ठीक है, इन ऑर्डर टू सॉल्युबलाइज दैट बेंजोइक एसिड कम्प्लीटली. अच्छा जी, जब ये कम्प्लीटली सॉल्वेबल हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे मिनिमम अमाउंट ऑफ बैड सॉल्वेंट या पुअर सॉल्वेंट. जब आप पुअर सॉल्वेंट ऐड करेंगे, पुअर सॉल्वेंट, कीप दिस इन माइंड कि यू हैव टू ऐड द पुअर सॉल्वेंट ड्रॉप वाइज. आप क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे. अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप जो पुअर सॉल्वेंट है वो इतना ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज कि जब आपके पास टर्बिडिटी आना शुरू हो जाएगी, आप वहीं पे क्या करेंगे, आप स्टॉप कर देंगे एडिशन किसका, पुअर सॉल्वेंट का. और यहाँ पे पुअर सॉल्वेंट क्या है, वाटर. गुड सॉल्वेंट का है मिथेनॉल या इथेनॉल, किसके लिए, बेंजोइक एसिड के लिए. ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कूल द सॉल्यूशन, आप क्या करेंगे कि अच्छा जी, आपने जब गुड सॉल्वेंट ऐड कर लिया उसके बाद आप फिल्टरेशन परफॉर्म करेंगे. अगर आपके पास कलर्ड या आपके पास कोई भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है तो आप क्या करेंगे, फिल्टरेशन परफॉर्म करेंगे. अगर नहीं है तो अगर कोई भी आपके पास इम्प्योरिटी नहीं है गुड सॉल्वेंट ऐड करने के बाद तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर देंगे और उसके बाद ऐड करेंगे पुअर सॉल्वेंट. ठीक है, पुअर सॉल्वेंट ऐड करने के बाद क्यों नहीं फिल्ट्रेशन कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि जब आप पुअर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो आपके पास जो आपकी प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगी. दैट इज नॉट द इम्प्योरिटी, दैट इज योर प्रोडक्ट. अगर आप उसको फिल्टर करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट भी क्या होगी, फिल्टर आउट हो जाएगी. तो इसलिए आप क्या करेंगे, गुड सॉल्वेंट ऐड करने के बाद आप इम्प्योरिटी अगर है तो उसको रिमूव करेंगे, उसके बाद बैड सॉल्वेंट ऐड करेंगे. बैड सॉल्वेंट ऐड करने के बाद आप अपना जो सोल्यूशन है उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, और जब आप लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास क्रिस्टल्स ग्रो होना शुरू हो गए हैं, और आफ्टर सम टाइम जो आपका जो बीकर या फ्लास्क होगा उसमें कम्प्लीटली जो प्रेसिपिटेट्स होंगे या क्रिस्टल्स होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे. और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे. फिल्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये वाली फिल्ट्रेशन कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट दी क्रिस्टल्स. क्रिस्टल्स कलेक्ट करने के बाद आप ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेसिकेटर, और आप यहाँ फिर अपनी प्रोडक्ट को एयर ड्राई करेंगे. लेकिन बेहतर ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ड्राई करें थ्रू डेसिकेटर, क्योंकि अगर आप एयर ड्राई करते हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज इनकॉर्पोरेट या इंड्यूस होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट में आप सबसे पहले वेट लेंगे इम्प्योर बेंजोइक एसिड का, फिर आप वेट लेंगे रिकवर्ड बेंजोइक एसिड का. मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में भी बताया कि कैसे लेंगे. उसके बाद आप परसेंट रिकवरी लेंगे कि कैलकुलेट करेंगे प्योर बेंजोइक एसिड की. मेल्टिंग पॉइंट लेंगे आप पहले इम्प्योर बेंजोइक एसिड का रिक्रिस्टलाइजेशन करने से पहले, और उसके बाद आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन आप अगेन मेल्टिंग पॉइंट लेंगे इन ऑर्डर
check the difference between to check the difference of the melting point between impure benzoic acid and pure benzoic acid. उसके बाद आप डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन करेंगे आप जो आपके पास, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपके पास कौन सा मेथड है रिक्रिस्टलाइजेशन का, उसके बाद आप मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप वेट को डिस्कस करेंगे, आफ्टर और बिफोर रिक्रिस्टलाइजेशन और परसेंट रिकवरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द डबल सॉल्वेंट रिक्रिस्टलाइजेशन मेथड ऑफ बेंजोइक एसिड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।